पेरुमदन कौन है जानते हो शजीवा? सबको गुमराह करने वाला एक खूंखार शैतान। एक बार एक साधु ने उसे पकड़ने की ठान ली। वो बहादुरी दिखाते हुए जंगल में घुस गया। पेरुमदन को पकड़कर वापस लाने के लिए अपने साथ एक टोकरी भी ले गया। जंगल बहुत खूबसूरत था, रहस्यमय जानवरों से भरा हुआ। उस साधु को जंगल का रास्ता नहीं पता था। वहां के सभी पंछी, जानवर, कीड़े और पेड़ उसके मजे ले रहे थे, क्योंकि वो पेरुमदन को जानते थे। कई मील चलने के बाद उस साधु को जमीन पर एक गेंद जैसी चीज नजर आई। उसने वो उठाकर अपनी टोकरी में रख ली। उसने ये सोचा बच्चे उसे देखकर खुश होंगे। कई घंटों बाद उसकी टोकरी में हलचल हुई। एक वर्मी जो खुद से लिपटकर एक गेंद बना बैठा था अंदर से बोला, हे प्रभु रुकिए, जरा धीरे चलिए। साधु चौंक गया, वो धीरे चलने लगा। फिर कुछ देर बाद वर्मी बोला, बहुत खूब, अब इस तरफ चलिए। साधु ने उसकी बात मान ली। उसके कुछ समय बाद वर्मी ने कहा, प्रभु उस रास्ते चलिए। साधु ने वही रास्ता पकड़ लिया। कहते हैं कि वो साधु आज भी जंगल में भटक रहा है। उसे अब तक नहीं पता चला कि वो शैतान को अपने सिर पर लिए घूम रहा है। याद है ना आज से मेरा नाम क्या होगा? एंथनी। और तेरा नाम? सजीवन। सजीवन नहीं रे, हाँ शाहजीवन। हाँ नाम में दम है शाहजीवन, ये नाम कमीनों पर एकदम सूट करता है। हमें वहाँ पर सबको ये यकीन दिलाना है कि हम दो कौड़ी के मजदूर हैं जो वहाँ गड्ढे खोदने के लिए आए हैं। आज से नाम है इंस्पेक्टर, ना तू हवलदार। लेकिन उसे पकड़ने के बाद तू ज्यादा हवा में मत उड़ने लगना, मीडिया के सामने मुझे सल्यूट करना, ठीक है? ठीक है। हाँ कंडक्टर साहब, ये भद्रावती नाका यहाँ से कितनी दूर है? अभी आधा घंटा और लगेगा। इस जगह के बारे में आपको कैसे पता सर? क्राइम स्क्वाड के पुलिस वालों की निशानी क्या होती है? क्या? अरे वो छोड़, पुलिस वाले क्या करते हैं? टाइम पास करते हैं सर। सारे गुनेगारों को असल में कौन पकड़ता है? हमारे जैसे ऑफिसर्स जो लुंगी पहन के अंडर कवर जाते हैं। पुलिस स्टेशन में अपनी वर्दी पहन के सीटी बजाने वाले पुलिस वाले कम, चौकीदार ज्यादा होते हैं। हाँ ठंड ठंड लग रही है। सुन तेरी खासियत क्या है तू जानता है? कुछ भी नहीं, दो चार दिन उनके साथ रहेगा तो वो तुझे अपना समझने लगेंगे, समझा? वो पुलिस वाले होते ना जो दिखने में एकदम हीरो जैसे लगते हैं, फिल्मी पुलिस वाले, उनसे ये काम नहीं होगा। लेकिन सर पहले तो तू मुझे सर बोलना बंद कर, सिर्फ एंथनी भाई बोल, समझा? हाँ ठीक है। सुन
तू गरीब दिखता है इस वजह से तुझे नहीं चुना, उसकी एक वजह है, तुझ में हुनर है और तू ईमानदार भी है। सर मैं बस में हमेशा टिकट लेकर सफर करता हूँ, फ्री में नहीं आता जाता। हाँ सबको ऐसा ही करना चाहिए, हमारे बशीर सर जिंदा थे तब कहा करते थे अंडर कवर पुलिस वालों को चील की तरह होना चाहिए ताकि हम चील की तरह सब पर नजर रख सके और खुद किसी को नजर ना आए। ऐसा हेलो हाँ खाना खाया क्या? हाँ नहीं सब ठीक है, बस में हूँ पहुँच कर कॉल करता हूँ, अभी नेटवर्क नहीं है। ठीक है चल कुछ खा लेते। सर ऐसा क्यों है कि लोग कहते हैं कि सभी निकम्मे और बेकार लोगों को ही क्राइम स्क्वाड में भेजा जाता है? अरे तभी तो हमारी पुलिस इतनी नाकारा हो गई है। हाँ। अब ये देखो वो लोग मुझे बथेरी थाने से छोड़ने के लिए तैयार नहीं अच्छा? थे। एसपी साहब ने कहा कि वर्दी के साथ इतने केस सॉल्व किए बिना वर्दी के तो धमाल मचा दोगे। बशीर साहब 5 किलो सोना पकड़ कर 3 किलो बताते थे। अच्छा क्या सच में? और नहीं तो क्या, सब चलता रहता। आओ अंदर चल के कुछ खा लेते हैं। हाँ अरे आराम से खा भाई, सर ने कहा हम जितना चाहे वक्त ले सकते हैं। हाँ पर उसे जल्दी पकड़ा तो जल्दी घर जा सकते हैं ना। ड्यूटी पर काम करने के बारे में सोच, बीवी की बाहों के बारे में नहीं, समझा? सुन टेंशन मत ले, होनहार पुलिस वालों का कहीं न कहीं से जुगाड़ हो ही जाता है। हाँ। इसलिए अब तक आपकी शादी नहीं हुई सर। कितने हुए? 45 रुपए। चुरली गांव कैसे पहुंचे? उस पहाड़ी पर जाओ, वहां से तुम्हें जीप मिल जाएगी। एक बोतल शहद के ले जाओ साहब। नहीं रहने दे, शुगर है। ए शशि ये देख, लिखा है दो गोरों को एलियंस ने अपनी उड़न तश्तरी में अगवा कर लिया। क्या सच में? सुनिए वो चुरू के लिए हम एक ऐसे इंसान की तलाश में जो नर की आग में भुट्टा सेक ले, फुकट में ढिंडूरा मत पीट। हम घर से निकले तब से उसे हमारी हवा लग गई होगी। वो चाहे कितना भी शातिर हो, आप उससे ज्यादा शातिर हैं सर, मतलब एंथनी भाई। उसे पकड़ने की बहुत लोगों ने कोशिश की, इस बार उसे घसीट कर ले जाएंगे जेल। हाँ। फिर जो तुम्हें बेवकूफ समझते हैं उनके सामने सीना चौड़ा करके खड़े रहना। ठीक है सर। और नहीं तो क्या। अरे अरे यहाँ पर तो कोई नहीं है, इतना सन्नाटा क्यों है? सजीवा? हाँ इसे मौत की जीप कहते हैं लोग। अरे सुन। हाँ क्या कहता है, ये हमें चेरुली ले जाएगा?
अरे भाई साहब, क्या ये सवारी हमें चुरुली ले जाएगी? हाँ, लेकिन अभी कुछ और लोग आने वाले हैं, उसके बाद निकलेंगे। हाँ। और वहाँ तुम्हें क्या काम है? यहाँ रबर की खेती होती है ना, वो क्या नाम था, जोसो जैसा कुछ है। हाँ। वहाँ गड्ढा खोदने का काम मिला है। जरूर वो थकन भाई के पास होगा, उन्होंने अपनी पुरानी जमीन बेच दी थी, लगता है नई जमीन पर खेती करना चाहते हैं। हाँ, वही होंगे शाहजी। और थकन भाई तो अभी अपने घर गए हुए, तुम कहाँ से आए हो? हम दरअसल कुरचुंडू कुत्याड़ी से आए हैं। अब क्या करें शाहजी, अब इतनी दूर आ गए हो तो इंतजार करो, कुछ दिन में वो वापस आ जाएंगे। अरे ये क्या बात हुई, अरे तब तक हम यहाँ क्या करेंगे? अरे करने की क्या जरूरत है, रहने लायक जगह मिल जाएगी। पैसे भी तो नहीं है। पर हम यहाँ किसी को नहीं जानते। अरे क्या फर्क पड़ता है, चलो बैठ जाओ, साथ में मजे करेंगे, चलो बैठो। ठीक है चलो। अच्छे लोग हैं ना, हमारे साथ कितनी तमीज से पेश आ रहे हैं। जिंदगी में इज्जत की तलाश में काफी मेहनत से यहाँ पहुंचे होंगे, जरूर वो कमीना इन्हीं के बीच होगा। वो हमेशा पुलिस के जाल से बच जाता है। बशीर सर के हाथ आया था लेकिन फिर भाग गया। काफी मुश्किल होगा, उसे पहचानने का हमारे पास कोई जरिया नहीं है। उसका नाम तो किसी राशन कार्ड या वोटर्स लिस्ट में भी नहीं है। कोई भी अच्छी आदत नहीं, शराब भी नहीं, कैसे जीता है। चलो आओ चलते हैं, वो लोग जा रहे हैं। आ रहे हैं। बैठ जाओ ना। चले फिर। हाँ चलते हैं। है जानदार इंजन है। कितनी उपजाऊ जमीन है यहाँ, लोग भी कितने अच्छे हैं। मैं तो सोच रहा हूँ कि यहाँ कुछ केले के पेड़ उगाकर जिंदगी भर यहीं बस जाऊं। यहाँ बारिश कैसी होती है? अगर गर्मियों में बारिश हो तो यहाँ बैगन भी उगा सकते हैं। हाँ, लेकिन एक बात है, सिर्फ हमारे जैसे लोग ही इतनी दूर जंगल पार करके खेती करने के बारे में सोच सकते हैं। अगर अंग्रेज यहाँ नहीं आए होते तो आज तक ये सारा इलाका जंगल से भरा होता है ना। सही बोला। आप लोग ज्यादा बातें नहीं करते ना। हाँ, बहुत कम बात करते हैं। देख यहाँ एक मंदिर भी है। एक्सेलरेटर पर जोर दो। सही कहा ना। गियर में डाल और ऊपर वाले का नाम ले और आगे बढ़ा गाड़ी। मैं पहले ट्रक चलाता था, ऐसे रास्तों से मुझे डर नहीं लगता, बड़ी आसानी से ट्रक निकाल लेता था। देखा मेरे बोलने का फायदा हुआ ना, अब सही चला रहा है। बहुत बढ़िया दोस्त। हाँ अच्छा हुआ यहाँ कांच नहीं है, वरना अभी माथा फूटता।
ब्रिज के पार जाकर इंतजार करो। अरे ये पुल तो बहुत कमजोर लग रहा है। हाँ। चलो संभल कर जाना होगा। आ जा पकड़ पकड़। हाँ, हाँ। ये पुल तो बहुत हल्का है। मुझे तो चलने में डर लग रहा है, ये जीप कैसे पार करवाएगा? देखते हैं। से भी जीप चला सकता है रे, यकीन नहीं हो रहा कि तूने उस पुल को पार कर लिया। अबे तेरे बाप की गाड़ी है जो यहाँ आकर बैठ गया, चल उतर जल्दी से यहाँ से। जल्दी उतर नहीं तेरा सर फोड़ दूंगा, चल उतर जल्दी। ठीक है, कोई बात नहीं। अंदर आकर बैठ जाओ सालो, भूर कर रहे बे? आए आए हाँ हाँ हम आ रहे हैं, आ रहे हैं। इतना चिपक के क्या बैठा है बे? चल दूर बैठ चल। अरे जल्दी करो यार। अचानक ही इनके तेवर बदल गए। अबे यार रास्ते में भैंस छोड़ने के लिए रुक गया था। अबे साले पी के तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? चल निकल यहाँ से जल्दी, चल निकल। तू आ गया बाद में और मुझे बोल रहा है जाने के लिए। ये किस तरह की जगह बोल रहा हूँ? गाड़ी तेरे पास है, जा तू। अबे जल्दी कुछ खाने को दे बुड्ढे, इतनी भूख लगी तो रास्ते से मुर्गी पकड़ के लिया था ना, पकौड़े बना के सबको खिला देता यहाँ पे। अबे ये दोनों मोटे बकरे लाया हूँ ना हलाल करने के लिए। अंदाज भी दीवाना है, मौसम सुहाना है, अंदाज भी दीवाना है, और ऐसे में हमें खाना है। अबे घूर घूर के क्या देख रहा है? अरे तू मुझे खाने के लिए कुछ बना दूं क्या? नहीं नहीं रुक जा, मैंने इन सबकी प्यास तो बुझा दूं मैं।
ये आ गए तुम्हारे गिलास और ये रही बोतलें। इसके साथ रस्सा मछली चावल मिल जाता तो मजा ही आ जाता। मछली तो नहीं, एक काम करो, खेड़ा जिसके तरह पिछवाड़े चालू, तब मिटेगी तेरी भूख। तुम लोग बहुत मजाक करते हो, जा लेकर देख सजीवा कितने मजाक के हैं लोग। अबे पीता नहीं तो यहाँ क्यों चला आया तू? अरे मछली खाएंगे, मेरी बात मान, थोड़ी सी चढ़ा के देख ले, टना टंग मजा आ जाएगा। मतलब यहाँ ताड़ी वगैरह नहीं मिलती? अबे तेरा बाप आया था ताड़ी निकालने के लिए, और तू इन ठगे लोगों को कहाँ से उठा के ले आया? ठक्कन भाई की जमीन पर गड्ढे खोदने आए हैं, इन्हें पता ही नहीं था वो यहाँ नहीं है। अच्छा, इन गधों को भी मुझे ही पालना पड़ेगा। पिछले साल भी एक आदमी आया था और मेरी वाट लगा के चला गया वो। देख मेरी जबान पे मत जाना। अबे घोर कर रहा है पीना। ए, कब से इंतजार? क्या है रोल? इसमें कर्ची कौन चलाएगा? मेरे पास दो ही हाथ है, दिखाई नहीं देता क्या? तब चला था, पता नहीं क्या उसे कुछ काम धंधा भी नहीं है। अरे मौसम सुहाना है, दिल भी दीवाना है, और ऐसे में जाना है, दारू भी पीनी है, सोने जाना है, मौसम भी सुहाना है, दारू भी पीनी है, और ऐसे में आनंद आ गया खाना खा के, पेट भर पी के मजा आया। अरे देना देना हो गया, पैसा तो दे रहा है मैं। अबे क्या चाहिए, निकल बाहर रसोई से। इधर आ, इधर आ, ये तो मजा है। शाबाश। ढंग से तो बोल पहले, और दारू पी रहे हो? मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। क्या बोलते हाथ निकाल, दो तीन हाथ निकाल, जरूरी लगता है चार आदमी। सर हाँ, हमें बता देना चाहिए कि हम यहाँ पहुंच गए हैं। ये क्या सरकारी दफ्तर है जो रोज अटेंडेंस लगाएगा? पैग मार, मुंह पे चादर डाल और चुपचाप सो जा, अटेंडेंस लगाएगा।
अबे जितनी औकात है उतनी किया कर, मैं से यहीं पड़ा था वो, देखना भाग के आएगा बाद में। आजा आजा, चल पकड़। आ गया तू, हाँ दे, जल्दी दे, जल्दी दे। अबे बहुत भारी है रे। अरे जल्दी कर, दे। अबे हाथ की कटोरी बना, दे। पीले पीले, पीले। चल। बस इतना ही। अच्छा ठीक है, ठीक है। हाँ उठा उठा। हाँ उठाता हूँ ना, उठाता हूँ। आया। हाँ। दर तत तर न न न दर द द द द द द द द न न न न द द द द द द द। तूने तो पूरी जगह को चमका दिया रे, सब कुछ एकदम टकाटक और चकाचक कर डाला। तू बहुत आगे जाएगा लेकिन ज्यादा बाहर मत जाना। आप दोनों कहां बाहर चले गए थे पता नहीं चला, इसीलिए मैंने पहले जो यहां था वो भी बिल्कुल ऐसा ही था। अबे सुन, तू दुल्हन वाले बाकी काम भी करता है क्या? ला चखारे, कैसे बनाई तूने मछली? क्या बात है रे, लेकिन यहाँ इतना स्वादिष्ट नहीं परोस सकते। ला लाल मिर्ची दे, ये लो। बहुत ज्यादा डाल दिया। अबे पेट में जलन तो होनी चाहिए। अरे यहाँ क्या रोज गोश्त बनता है? हाँ रोज बनता है। अच्छा? हमें तो रोजाना गोश्त चाहिए होता है, हम रोजाना गोश्त खाते हैं फिर पूरी रात बैठ के ताश खेलते हैं। अरे वाह, जंगल में ताश, मजा आएगा। सारा तू ही खा जाएगा क्या? लोग क्या खाएंगे फिर? हाँ वो अंदर रखो से। वैसे भैया इस गांव में कितने लोग रहते हैं? ये भारत की आबादी नापने आया क्या? बेतू का सवाल करता है। इसने यहीं बसने का मन बना लिया है, अगर ढंग का काम हो तो दे दो, यहीं रहेगा। सही कहा। हाँ हाँ तो रह ले यहीं पर, क्या फर्क पड़ता है। ए, वो बेवड़ा कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहा? हाँ वो पूरी रात जंगल में शिकार कर रहा था, उसे थोड़ी देर और सोने दे। क्या काम है तुझे? मेरे काम में टांग अड़ाएगा तो तेरा मुंह तोड़ूंगी। बाप रे, सुबह सुबह ले ली। इतनी होशियारी मत कर, तू अपना मुंह बंद रखा कर, अगर उन्हें भनक लगे ना तो वो दोबारा हमारे हाथ से निकल जाएगा। ये जाने बिना के यहाँ रहता कौन है, उसे ढूंढेंगे कैसे? बेकार में वक्त बर्बाद होगा बस। ढूंढने में वक्त लगता है, जल्दी घर जाना है ना तो नौकरी छोड़ दे। ढिंढोरा पीटे का तो शिकार नहीं कर पाएगा, शांत रहे और चुपचाप काम कर। लगता है जैसे हम यहाँ सालों से फंसे हुए हैं। तू पैसे खिलाकर हवलदार बना था क्या रे? जब से आया है घर जाने के लिए बस रोए जा रहा है। अरे अबे दो बाल्टी पानी निकालने में दो दिन लगेंगे क्या? लोग आने वाले हैं, जल्दी चावल चढ़ा रहे हैं। जा जा तू जा, मैं लेकर आता हूँ। अरे टाइम का कोई ख्याल ही नहीं है तुम लोगों को। यहाँ गाड़ियां ना के बराबर आती हैं। ये रास्ता तो पैदल चलने वालों ने ही बनाया। अच्छा यहाँ बिजली कितने सालों से है? अरे ये कोई एक डेढ़ साल से है मेरे ख्याल से। अच्छा आपकी दुकान में बिजली है ना? हाँ पर घर पर नहीं है। जंगल से तार खींच सकते हैं ना? अरे तो तुझे क्या करना है सबसे, ढंग के सवाल पूछना, कब से बकवास किया जा रहा है, बेकार दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। यहाँ जंगल काफी घना है, संभल के चलना। अरे ओ चमचेड़िए, यहाँ क्या कर रहा है? अबे साले तू कहाँ जा रहा है? अबे तेरी बीवी से मिलने जा रहा हूँ। सारे कमीने भरे पड़े हैं इस गांव में। और आप सभी को जानते हैं? वो इसलिए क्योंकि इस गांव में बहुत कम लोग रहते हैं। अच्छा। और इसलिए मैं हर कमीने को जानता हूँ। आपका नाम तो फिलिप है ना, फिर वो आपको कड़िया क्यों कह रहा था? कल रात को तुझे नींद तो अच्छी आई थी ना रे? हाँ नींद तो अच्छी आई, लेकिन सुबह कुछ आवाजें आ रही थी इसलिए मेरी आंख जल्दी खुल गई। हाँ जरूर वो जंगली हाथी होंगे। हाथी यहाँ भी आते हैं क्या? हाँ बिल्कुल आते हैं। पर वो तो खतरनाक होते हैं ना? अरे तो टेंशन मत ले, वो दो बार मेरा घर भी तोड़ चुके हैं। अच्छा? वो तोड़ के चले जाते हैं और हम फिर दोबारा बना लेते हैं। हाँ ये भी ठीक है, टेंशन मत ले। हाँ रात को सोने से पहले वो छोटे छोटे पैग लगा लेना और फिर कम्बल ओढ़ के सो जाना, कुछ नहीं होगा। मैं नहीं जानता वो क्या चीज थी, लेकिन जब मैंने बाहर जाकर देखा मुझे आग के गोले जैसी कोई चीज दिखी। तुझे उसके साथ सायरन की या हाथी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी थी? हाँ ऐसी आवाजें भी आ रही थी। अच्छा अच्छा, वो दरअसल अग्नि देवी है,
वो अक्सर रात को उत्तर से दक्षिण की ओर सफर करती है। अच्छा। और उधर एक पुराना चर्च है, उसे अंग्रेजों ने बनवाया था। अच्छा। बहुत पहले उस चर्च में जो रहती है ना, वो उसकी छोटी बहन है, वो अक्सर उससे मिलने आती है। लोग भी कितने बेवकूफ है ना, कुछ भी कहानियां बना देते हैं। अबे बकवास मत कर। क्या हो गया? हाँ, मैंने उन्हें अपनी आंखों से देखा है, बस इतनी सी दूरी पे था मैं जितनी दूर तू खड़ा है। बकवास मत कर, चल अब जल्दी। कितनी बार बोल चुका हूं बेकार के सवाल मत पूछा कर। देखिए पेड़ दिख रहा है, ये हाथियों को बहुत पसंद है। देख वहां उनके पैरों के निशान भी हैं, वो कहीं आसपास ही होंगे। चल जल्दी चल, अब बहुत दूर जाना है हमें। आजा। हाँ सुन, हाँ हाँ ठीक है, इसे यहां डाल दे। अरे यहां के मदद करना। हाँ नहीं तू रख। वैसे वो हमेशा चुपचाप क्यों रहते हैं? अरे बहुत चालू चीज है। अच्छा। अरे चूहे भी उसके चावल तक नहीं पहुंच पाते हैं। वो क्या अकेले रहते हैं? उसने दो बीवियों को पीट के मार डाला। अच्छा। और पता है उसकी एक बेटी भी है, और वो बहुत खूबसूरत है। शादी की उम्र हो गई है, पर शादी नहीं की, तेरी करवा दूं। हैं? अच्छा, वो दुकान पर भी किसी से बात नहीं करते? उससे बात करना बेकार है। क्यों? 2 साल पहले यहाँ एक वासु रहता था। हाँ। 2 पुलिस वाले उसे यहाँ ढूंढने आए थे, इस कमीने ने धोखा दे दिया। पुलिस वाले यहाँ आए थे, केस दर्ज हुआ था। क्यों, तुझे पुलिस से डर लगता है क्या? हैं? तुम दोनों कहीं चोर उचके तो नहीं हो? अरे नहीं। अरे डर मत, मजाक कर रहा था। पुलिस यहाँ कभी नहीं आएगी, और गलती से आ भी गई ना तो यहाँ से वापस नहीं जा पाएगी, बहुत मुश्किल होगी उन्हें। ये कोई आम जंगल नहीं है। खाने और पीने के अलावा और कोई काम नहीं आता तुझे? थकन भाई के घर पे जाके पूछो वो कब आएंगे, उसकी बीवी घर पे होगी शायद। अबे साले उठता क्यों नहीं? वो जमीन जहाँ तुम्हें गड्ढे खोदने, वो यहाँ से बहुत दूर है। उन्हें वापस आ जाने दो ना, काम की बात तो मर्दों के बीच ही होती है कि नहीं? मुझे भी लगता है वहां जाकर चेक कर लेना चाहिए, अगर गड्ढे का रेट उसने सही लगाया तो हम वहाँ जाके काम शुरू कर सकते हैं। अरे तू वापस घर जा रही, वहाँ अकेली औरत से बात करने जाएगा तो नहीं जा सकते तुम लोग वहाँ पर, डर है कि तेरे साथ जबरदस्ती करेगी। खैर मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। वैसे दीदी, इस दुकान के मालिक का असली काम क्या है? ओ दादी, कौन है तू? तुझे यहाँ पहले भी देखा है मैंने। मैं जरा दूर रहता हूँ। मुझे बता तू यहाँ क्यों आया है? मैं यहाँ गड्ढे खोदने आया था, थकन भाई की जमीन पर। तेरा काम पूरा हो गया? वो अभी घर पे नहीं है। अच्छा दादी एक बात बताओ, यहाँ पर इरिट्टी से आए हुए लोग रहते हैं क्या? तुझे गड्ढे खोदने है ना? गड्ढे खोदने हैं ना तुझे? तेरी हिम्मत कैसी है भाई चिरोली में आकर गड्ढे खोदने की?
तू माने यार एक के पीछे क्यों पड़ा है? यहाँ का ऐसा है मैं हूँ या तू? आप है सर। तू मेरे डिपार्टमेंट का, इसीलिए तुझे छोड़ रहा हूँ। कोई सुन लेगा सर? अरे जो भी वहाँ थे वो निकल चुके हैं। तू वहाँ क्या घास छीलने गया था? एंथनी भाई मैं तुझे कुछ भी पता लगाने की जरूरत नहीं है। कुछ पता लगाना तो मुझे बता दिया कर, समझा तू? अगर गलती से किसी ने आकर सुन लिया तो मार मार के तेरे गाल लाल कर दूंगा। चलो उठ यहाँ से, सामने खड़ा रहे। चल अब सैल्यूट मार के दिखा। सैल्यूट मार। हाँ बोल, तू अरनाकुर गया था ना, वहाँ क्या मिला तुझे? सर यहाँ पर सब नकली नाम इस्तेमाल करते हैं, सबके चार पांच अलग अलग नाम है। जॉय के बारे में पता करके कोई फायदा नहीं है सर, वो इस गांव का कोई भी आदमी हो सकता है। तो फिर तुझे क्या लगता है, अटेंडेंस की तरह नाम पुकारने से वो अपने आप को हमारे हवाले कर देगा? मेरे हिसाब से तो सर हमें यहाँ एक बटालियन को बुलाना चाहिए हथियारों के साथ। और फिर तेरे हिसाब से कोई लेना देना नहीं है, हमें सबको गिरफ्तार करना चाहिए क्योंकि यहाँ सब क्रिमिनल्स हैं। एक ट्रक भर के अपराधियों को ले गए तो कितनी वाहवाही होगी ना सर, है कि नहीं? बेटा सजीवा, हाँ तुझे सर्विस में कितने साल हो गए? 5 साल सर। 20 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ। हाँ। और 6 साल से मैं क्राइम स्क्वाड में था। हाँ। तुझसे एक सवाल पूछता हूँ, हम पुलिस वाले ज्यादा किसके साथ रिश्ता जोड़ते हैं? किसके साथ मतलब? क्रिमिनल्स के साथ। हाँ? हाँ। और इन क्रिमिनल्स के बारे में हमें खबर कौन देता है? कौन सर? यही क्रिमिनल्स के लोग। हाँ। शॉर्टकट में बोला जाए तो वही हमारा तीसरा हाथ है सजीवा। तो हमें उन्हें नहीं पकड़ना चाहिए? अरे नहीं, फिर पूरी दुनिया में क्रिमिनल्स होते हैं, जिसकी जरूरत है हम उसको पकड़ेंगे, बाकी लोगों को नजरअंदाज कर देने का। जैसे इस दुकान के मालिक को ही ले ले, वो लोगों से पैसे हड़प कर यहाँ से गायब हो गए थे, उनको देखते ही पहचान लिया, लेकिन हमें अभी उनकी जरूरत नहीं है। भेजे में कुछ घुसा दे रहे तो मौका मिलने पर आप डॉन को भी नहीं पकड़ेंगे? चल जाके अचार ले गया। हाँ हैं? हाँ अब सुन। हाँ अगर मैं डॉन से मिला तो उसे कहूंगा तू यहाँ से भाग जा, तू पकड़ा गया तो जिंदगी में क्या मजा रहेगा, एक दो दिन में सब तुझे वैसे ही भूल जाएंगे, लेकिन अगर नहीं पकड़ा गया तो ये कमीने जिंदगी भर तुझे याद रखेंगे और तेरे हर कांड की कहानियां लोगों को सुनाते फिरेंगे। कुछ सुनाई दे रहा है तुझे? क्या वो डर गया क्या? क्या बात है, चोर दरिंदों पर काफी चर्चा कर रहे थे तुम दोनों, मुझे मारने का प्लान कर रहे हो क्या? अगर है तो पहले ही बता देना। अरे मैं एक बात बताना तो भूल ही गया, अगले 2 दिन दुकान बंद रहने वाली है, मेरी पहली बेटी का कम्युनियन है, मछली और चावल तब तक खाना जब तक तुम्हारा पेट ना फट जाए। चलो मैं सोने जा रहा हूं। बच गए। ए शाजीबा। हाँ खुले में शौच का तो मजा ही कुछ अलग है। सही कहा सर, हम यहां मजदूर बनने की एक्टिंग कर रहे हैं कि नहीं? हाँ उसी तरह अब अदृश्य होने की एक्टिंग कर लेते हैं, समझा? भला वो लोग यहाँ पर कम्युनियन कैसे करेंगे? तूने यहाँ कोई चर्च वर्च देखा क्या? मैं भी वही सोच रहा था। चर्च तो छोड़िए, मुझे क्रॉस तक नहीं दिखा। सर जॉय के बारे में अब तक हमें कुछ भी पता नहीं चला है। सुन। हाँ टेंशन मत ले, इस केस को अब तक कोई नहीं सुलझा पाया है। अपना अनुभव तेरे साथ बांटना हो, ऐसे केसेस में आखिरी तक लगता है कि कुछ भी हाथ नहीं लगेगा, पर रास्ता मिल ही जाता है। हमारे लिए ये कम्युनियन वैसे ही एक रास्ता है। मच्छर। अरे उसे बोरी में डालना था ना। हाँ वही तो कर रहा हूँ। तुझे चूसे कहते, पूरी बोतल चूस डाली तूने। आ जाओ राज दुलारो, गप्पे लड़ाना बंद करके यहाँ साफ सफाई करो, कल यहाँ मेहमान आने वाले हैं, सफाई करनी जरूरी है यहाँ पे। वो सब हो जाएगा। और एक साथ 10-15 अगरबत्तियाँ जला दो ताकि पूरी दुकान खुशबू से महक जाए, यहाँ से वहाँ तक। कम से कम मांस मच्छी और उल्टी की बदबू तो निकल जाएगी यहाँ से, समझा करना। कल कम्युनियन है और आपको आज दुकान साफ करनी है?
हाँ? चिंता मत कीजिए, ये हम संभाल लेंगे। आपको चर्च जाना है तो आप जा सकते हैं। हाँ, यहाँ हम सब कुछ संभाल लेंगे। तुझे कुछ बताता हूँ। क्या बात है? आजा। हाँ? अगले 2 दिनों तक यही हमारा चर्च होगा। इधर देख, इधर देख। इधर आल्टर होगा। अच्छा? और यहाँ होगा शरण स्थान। यहाँ लोग खड़े रह सकते हैं, घुटनों पे बैठ सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं। जगह की कमी नहीं है। इधर आ, आजा, तू भी आ। ए, जल्दी करना। और ये जगह पादरी और उनके साथ आने वालों के लिए रखी है। बोल, कैसी लगी? अच्छी है ना? पता, ये क्या है? मनोरंजन का कमरा। अरे इधर आओ, वहां पर वो पेड़ दिख रहा है ना? हाँ? अगर उसके ऊपर पर्दा लगा दो तो वो हमारा स्टोर रूम बन जाएगा। हमें कम से कम 75 लोगों को खाना खिलाना होगा। हाँ, ठीक है। ठेके को चर्च बना रहे हो या फिर चर्च को ठेका? क्या करें, ईश्वर तो हर जगह बसे हैं। 70-75 लोग आने वाले हैं ना यहाँ। हो सकता है आसपास के गांव से भी लोग आ रहे हो। रख दे। अरे मनी भाई, क्या इस गांव के सभी लोग आने वाले हैं? अरे सब आएंगे, बच्चों के साथ। अच्छा, ठीक है, सामान सब आ गया ना? अरे कब का तुम्हें भाई कर लिए? हाँ, चलो लग जाओ काम पे। और वो लोग जिनसे आपकी बनती नहीं वो भी आएंगे? यहाँ जो भी आना चाहे मैं उसका स्वागत करूँगा। अब जा, जाकर काम कर, बकवास सवाल करता रहता है। अरे रोशनी कम नहीं पड़नी चाहिए? ईश्वर हर वक्त आपके साथ है। परम पिता परमेश्वर का आशीर्वाद सब पे बना रहे। ईश्वर का आशीर्वाद है, ईश्वर का आशीर्वाद है, ईश्वर का आशीर्वाद है। इधर चावल ले जा और ये लो सब्जी, इसको भी चढ़ा दे। दाल भी तो ले जा। सब्जी कौन सी बनाई है दीदी? अरे जल्दी करना। चलो जल्दी करो, जल्दी लाओ, लाओ, चलो चलो, हाँ चला। खाना अच्छा है ना? हाँ हाँ, बहुत अच्छा। और चावल लीजिए। अपने गांव में भी मैं ही खाना बनाता हूँ भाई साहब। अच्छा? अब आसपास ही रहते हैं। हाँ, मैं ऐसे कभी आपको देखा नहीं इसलिए पूछा। थोड़ा कम आता हूँ, वो फादर आए थे इसलिए मिलने आया था। अभी गया था मैं। हाँ, अच्छा, थोड़ा सा सांबर देना, थोड़ा सा। ये लीजिए। सब खाते मत रहो, पता नहीं लगा। आप लोगों को सांभर चाहिए? अच्छा बनाए। हाँ, खाना अच्छा है ना? हाँ, हमारे घर पे ऐसे ही बनते हैं। आप रहते कहाँ पर? पास ही में रहता हूँ, वहाँ ठेके पर काम करता हूँ। देखो, सबको खाना मिल गया है क्या? कोई बाकी तो नहीं रह गया? अगर किसी को नहीं मिला तो जाकर परोस बेटा, मुझे थोड़ा दे। और किस किस ने नहीं खाया? बहुत बहुत शुक्रिया फादर, दोबारा आइए। फादर,
आराम से जाइए। चलो सब काम अच्छे से निपट गया। ए मनीषा, मनीषा, ए मनीषा, वहाँ पीपल के पेड़ के नीचे पड़ा है, जाकर ले लो। कहाँ? पीपल के पेड़ के नीचे। अच्छा, हाँ क्या कहा उसने, कहा है? पीपल के पेड़ के नीचे, यही कहीं होगा। हाँ हाँ, शाजीबा। हाँ, जॉय जरूर यहीं कहीं होना चाहिए, लेकिन हम उसे पहचानेंगे कैसे? सिर्फ नाम ही जानते हैं उसका, कोई फोटो वोटो भी नहीं है। सर अगर जॉय यहाँ है ना तो खबरी भी यहीं होगा। कितना अच्छा होता अगर वो अपराधी आकर हमसे कहता कि सर मैं ही हूँ जॉय, मुझे गिरफ्तार कर लो। सर मुझे तो लग रहा है कि वो खबरी हमारी कोशिशें देखकर जोर जोर से हंस रहा होगा। अरे कितना भी हाथ पैर मारे मुझसे बचेगा नहीं। ए थोड़ी दारू पिलाना। अच्छा मैं क्या सोच रहा था, हाँ? जॉय की खबर देने वाला अगर यहाँ कोई हो तो मजा आ जाएगा, क्योंकि वो भी क्रिमिनल ही होगा। यहाँ दारू से अच्छा और क्या होगा। बस बस हो गया, बस कीजिए। मैं तो यहाँ खूब मजे करूंगा, यहाँ बिंदास चिल्लाओ कोई कुछ नहीं कहेगा। ए अवराचा, हाँ? मैं भी आ रहा हूँ। वहाँ आना है तो आ जाओ, मैं सुबह मिलता हूँ। बाद में कीड़े काटेंगे तो रोना मत। अरे मैं सब संभाल लूंगा, तू क्या समझता है मुझे? सर एक मिनट, थक्कन आ गया तो मैं अकेला क्या करूंगा? अबे साले तू इतना फट्टू क्यों है? 20 साल पहले ट्रेनिंग में बंदूक पकड़ी थी, क्रिमिनल्स को मारना था, लेकिन आज तक चूहा भी नहीं मार पाए, आज तो जंगली सुअर मार के ही लौटूंगा। आप जाकर मजे करो। क्या पागल आदमी है, आज तो जंगली सुअर का शिकार करके रहेंगे, मजा आएगा। चलो आ जाओ। हाँ, हाँ। समझ में नहीं आ रहा ये सुअर को मारने जा रहा है या उसके साथ खेलने। अरे तू इसे पकड़। अरे तू बंदूक। वो मैं पकड़ूंगा, तू इसे पकड़। अच्छा हाँ? चल आ जा। अरे चलो निकलो यहाँ से, ऐसा वैसा कुछ देते नहीं हो, जब देखो पीने चले आते हो। निकलो भागो यहाँ से, क्यों पीने चले आते हो? निकलो, चलो सब निकलो। दोबारा कभी बिना पैसे के पी ना तो हड्डी पसली तोड़ दूंगा। ये मतलब नुकसान करा दिया हमारा। निकलो, निकल भागो इधर से, नहीं मिलेगा हमारा यहाँ पर, दिखना मत, कोई कोई दारू नहीं मिलेगी। भाग जाओ सबके सब, भागो। शाजीवन तू सिंगल पसली लगता है, लेकिन तेरे में दम काफी है बे। अकेले ही सबको भगा दिया, क्या बात है, ऐसे ही काम करते रहना। अरे यार अरे सजीवा यहाँ, हाँ जल्दी आ। ये रे 500 रुपए ले रख ले। अरे रख ना। अरे तूने बहुत मेहनत की है, अरे बहुत काम किया तूने, तो रख ले। अच्छा सुन, वो पैसे वापस दे, यहां रहने का किराया है ये, अब तुझे सिर्फ 1000 और देने हैं दारू और खाने के, जब थक्कन तुझे पैसे देगा लौटा देना। दोनों अब तक लौटे नहीं है, लगता है किसी जंगली हाथी ने कुचल दिया होगा उनको। 2-4 दिनों में पता चल ही जाएगा, जब जंगल से बदबू आने लगेगी, फिर तू जंगल में जाके उन्हें बोरी में भर के यहाँ ले आना और मुझे बता देना, ठीक है? चल जा, सो जा।
फिर बड़ों में से किसी एक ने मुझसे पूछा, सफेद कपड़ों में ये कौन खड़े हैं, ये कहाँ से आए हैं? और मैंने कहा, हे प्रभु, क्या आप जानते हैं? फिर उन्होंने कहा, वो एक महान कबीले का हिस्सा है। उन्होंने अपने कपड़े बकरी के खून से धोए हैं उन्हें सफेद करने के लिए, इसलिए वो ईश्वर के दरबार में खड़े रहते हैं और दिन रात उनकी सेवा करते रहते हैं ताकि ईश्वर का आशीर्वाद उन पर हमेशा बना रहे। क्या सड़ेला बास मार रहा है, कमीने लाशें दफना दे भी नहीं ठीक से। अरे दोपहर हो गई, वो साले अब तक आए क्यों नहीं? और तेरा मालिक किधर है रे? वो थकन किधर है? बोला 4-5 दिन में आ जाऊंगा, फिर किसी औरत के चक्कर में फंस गया होगा, तू जानता है, या उसे पुलिस ने पकड़ लिया? हाँ, पुलिस उसे क्यों पकड़ेगी? जो गलत काम नहीं करता वो यहाँ पे क्यों आएगा? हाँ, बकबक करता रहता है। अगर कुछ मिला नहीं मुंह तोड़ दूंगा तेरा। तू ही साला पनौती निकला। सीधा खड़ा भी नहीं हो सकता। मन कर रहा है ये बंदूक तेरे पिछवाड़े में डाल दूं। अरे कुछ भी, चुपचाप चलता रहे, समझा?
तेरी वजह से मेरे तीन दिन बर्बाद हो गए साले कुत्ते। दोबारा कभी मेरे साथ शिकार पर जाने की बात भी मत करना, वरना बंदूक की नली घुसेड़ दूंगा साला। लेकिन मैंने ऐसा क्या कर दिया? अरे कुछ भी तो नहीं किया, कुछ करना ही था तो मेरे साथ आया क्यों? गोश्त के मैं क्या पकाऊंगा और क्या खिलाऊंगा बता मुझे। मनी भैया मैं तो इस साले के पास एक ही काम था, बंदूक पकड़ना, वो भी नहीं पकड़ पाया। इसके जैसे को ले जाएगा तो तुझे वैसे भी कुछ नहीं मिलने वाला। क्या यार, अपना मुंह बंद रखो ना। अरे बस करना, अंदर चलो सबके सब। शक्ल क्या देख रहे हो रे, घर जाओ अपने अपने, चल रहे अंदर चल। शक्ल देखकर ही गुस्सा आ रहा है इसकी, माशा लगा रखा है तुझे तो साले में मार। चल चल बस हो गया तेरा। इन लोगों से कुछ भी उम्मीद नहीं कर सकते, सबके सब बेवकूफ है। यकीन नहीं हो रहा है कि मेरे जैसे होनहार इंस्पेक्टर को आज एक हवलदार ने बचा लिया। चलो अच्छी बात यह है कि हम जानते हैं वो जॉय नहीं है। पक्का यकीन है? हाँ, वो इरुकूर से पड़ोसी की भैंस को छेड़ रहा था तो उसे गांव से निकाल दिया। सर जब मैं उस चावल वाले के घर गया था ना। हाँ, अरे बोलना, अचानक मुंह क्यों बंद हो गया तेरा? अगर हमारे सर की बात गलत हुई तो, अगर माइलाडन कुट्टी जॉय यहां मौजूद ही ना हो तो? नहीं रे, मैं उसके पीछे कई सालों से पड़ा हूं, वो यहीं कहीं है, मैं महसूस कर सकता हूं उसे। कौन है रे तू? यहाँ पर काम करता हूँ। कहाँ, दारू गड्ढे के पर? हाँ, पर असल में गड्ढे खोदने आया था। नाम क्या है रे तेरा? शाहजीवन। क्या? शाहजीवन। ये कैसा अजीब नाम रखा है तेरे माँ बाप ने? शाहजीवन। कोड़ागो से आया है, वैसे तो इसका भी दारू बनाने का ही धंधा है, यहाँ कभी कभी आता है। मैं एक ग्लास में निकाल देता हूँ। अबे कौन है ये सड़क छाप लोग? हाँ, मजदूर है, थक्कन के गड्ढे खोदने आए हैं। अब वो तो ठीक है, पर ये रहते कहाँ हैं? वो अभी यहाँ नहीं है ना, इसलिए मेरे साथ रहते हैं। वैसे ये दोनों मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे। बहुत बड़ा कमीना है, एक ही नजर में किसी भी आदमी को परख लेता है। एंथनी भैया, हाँ, जरा संभल कर चलना। ठीक है। अरे बहुत, अरे जानते भी हो मैं यहाँ कितने समय से हूँ? मुझे तो नहीं पता। अरे वो तो ठीक है, पर ये बताओ हम जा कहाँ रहे हैं, रास्ता ही समझ में नहीं आ रहा। पर जब तक आप हैं चलो, मुझे तो चिंता नहीं। हाँ हाँ, चिंता करने की जरूरत भी नहीं है, इस रास्ते पर मैं पिछले 20 सालों से आ जा रहा हूँ, समझ गए? इसका चप्पा चप्पा जानता हूँ मैं। हाँ पास बैठो चलो, तुम्हारी बारी, मारते वक्त मत गिरना, चलो रेडी। बहुत अच्छे, अब तुम्हारी बारी, चलो स्टार्ट, 1 2 3। ಆಕಾಶದಿಂದ ಬಂದ ಅದ್ಭುತ ಮನುಷ್ಯರು ಭೂಮಿಯ ಸುತ್ತು ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್
साजीवा तेरा पति कहाँ है? मुझे क्या पता, उसने मुझसे पैसे लिए थे, कह रहा था कि मेरे लिए शहर से कुछ लेकर आएगा। वो कहाँ है? कहीं टहलने निकल गया होगा। वो बस खाता है, पीता है और रात में जंगल की सैर करने के लिए निकल पड़ता है। अरे सुन, अनन आया था क्या? आने दे उसे, अरे बात करूंगा, पूछना उन्हें, पता होगा। हाँ, अनन आया था क्या यहाँ पर? हमेशा की तरह दो बोतल पी के निकल गया, तू नहीं मिला क्या? मैं तो जल्दी घर चला गया था, इसलिए उसे देखा ही नहीं। हमें भी नहीं पता, कहीं किसी कोने में पी कर पड़ा हुआ और क्या, जाकर देख ले। क्या पता कहाँ चला गया। हाँ छोड़ ना, ऐसा लग रहा कहीं गायब हो गया। तुमसे पंगा लेना खतरे से खाली नहीं है। हाँ,
सुन कल रात कहाँ गया था तू? मैं कहाँ जाऊंगा? अबे साले बकवास मत कर, जब मैं उठा तू वहां नहीं था। कैसे नहीं था? सपना देखा होगा आपने, मैं तो बिल्कुल आपके बगल में सो रहा था, सीधा सुबह उठाऊ। अरे पर नेटवर्क नहीं। दो लोग ठीक हैं, तीन बहुत ज्यादा हो जाते हैं, है ना? अरे शाजीवा, तुझे गोली चलानी आती भी है या नहीं? मैंने तो तय कर लिया है, जब तक शिकार हाथ नहीं लगेगा मैं यहाँ से नहीं लौटूंगा। काश शिकार करना इतना आसान होता। जब मैं खबर सुनता हूँ कि फॉरेस्ट ऑफिसर शिकारियों को पकड़ते हैं तो बहुत मजा आता है। अरे एक बार जंगली जानवर को मारने और जंगली लड़की के साथ मजे करने के बाद ही आप मर्द कहलाते हो। जरा चुप रहोगे तुम दोनों? जंगल का भी एक नियम होता है, एक बात करेगा बाकी बकबक करते रहोगे तो कुछ भी हाथ नहीं आएगा, समझे? सुनी तुमने? ये वही आवाज थी। एक मिनट, वही कौन सी? ओह, काले राक्षस की। काला राक्षस रहता है यहाँ, फिक्र मत करो, वो हमें पसंद नहीं करता। ठीक से लाइट मारना, जरूर कोई कीड़ा होगा। अरे मुझे कीड़े ने काट लिया। अरे मैंने कहा था तेल लगा के आना, सीधा खड़ा रहना। कितना हिल रहा है? अरे चला दे। गया, निकल गया। ये गया, चला गया। अरे इस तरह तो हमें कभी शिकार नहीं मिलेगा। राजीवा तुम जा कहाँ रहे हो? पहले भी यहाँ आए हो क्या? जंगल तो सारे एक जैसे ही होते हैं, खुद में ही लिपटे होते हैं सांप की तरह, बस पैर संभाल कर रखना होता है। क्या बात है, उसे तो सब कुछ पता है, रात रात भर घूमता जो है। मुझे लग रहा है जानवर आसपास ही है, हम बैठ कर नजर रखते हैं। ठंड बहुत है, पैरों की तो कुल्फी जम गई है। शीर सर कहा करते थे कि जंगली जानवर को मारने और जंगली लड़की के साथ मजे करने के बाद ही तुम मर्द कहलाते हो। शांत हो जाइए, वो यही कहीं है।
शजीवा क्या बात है, क्या निशाना लगाया है? अरे छोड़ मत, चोने नहीं पाए, मार मार। बहुत परेशान किया, पकड़ लिया, खत्म कर दे इसे। खंजर घुसा इसके दिल में, घुसा। बहुत बढ़िया है, शाबाश। पहले कलेजा काटना, कलेजा। चुप रहना, इसके बाद घर जा रहा हूँ, ठीक है? तू ये लेके फिलिप के पास पहुंच जाएगा ना, है? अच्छा, हम भी आ रहे हैं, रुक जा, वहीं रुका रहे, हम आ रहे हैं, वहीं जाना मत, कहीं मत जाना। ये सच्ची बात, चल दिया, देख मेरी पीठ को क्या हुआ है। अरे बाप रे, कहाँ हो तुम? ए, बाते, उस तरफ आवाज तो उस तरफ से आई थी। ए, ए, चल चल वहां चलते, चल वहां, वो वही है। अब राजा कहाँ हो तुम? नहीं उस तरफ है, चल वो चल। उस तरफ था ना, मेरी बात मान, चल उधर। निकम्मो कहाँ रह गए? इस तरफ आओ ना, कहाँ रह गए तुम दोनों? ए, रुक जा। मैं अंधा हो गया हूं क्या? कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, यहां से बाहर कैसे निकलेंगे? हम लोग फंस तो नहीं गए? आप जरा थोड़ी देर शांत रहेंगे, चलिए वापस चलते हैं। पकड़ मुझे, वहां से रोशनी आ रही है, चल चल जल्दी चल। यही मर जाएंगे? अरे टॉर्च तो चालू कर, बैटरी खत्म हो गई है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। आप मुझे पकड़े रहिए। देख देख देख, वहां पर रोशनी दिखाई दे रही, ठीक है वहीं चलते हैं। हाँ चल, संभल के संभल के। कोई है?
उधर चलते हैं। मैंने कहा था ना शांत रहना, चलता रहता है बेवकूफ। उसे कोई बुलाओ। अरे कोई मेरी पीठ का इलाज करो। दीदी, ओ दीदी। अरे बाहर कौन चिल्ला रहा है? उसने आवाज सुन ली, वो अंदर ही है। इधर काय को लेके आया इसको? देखो ना, इसको चोट लगी है, खड़ा नहीं हो पा रहा है। एकदम निकम्मा आदमी है, किसी काम का नहीं है। बाकी तुम्हारी मर्जी। देख ठीक करो। रीढ़ की हड्डी में चोट आई है, मालिश करनी पड़ेगी अच्छी तरह, वरना इसी तरह सड़े हुए बैंगन की तरह जिंदगी भर पड़ा रहेगा। पैसे है ना तेरे पास? हाँ मेरे पास पैसे हैं। तुम सब क्या तमाशा देख रहे हो? चलो अपने घर जाओ, निकलो। चलो ये संभाल ले, आ जा। अब जरा शांत हो जाइए, उसने कहा ना वो आकर ठीक कर देगी। उसे बोल कुछ कर रहे। दीदी आकर एक बार देख तो लो कम से कम। आ रही हूँ। तो कौन है रे? शकल देखी हुई लग रही है। मुझे नहीं पता। अच्छा तुझे नहीं पता? ये मेरे साथ है, हम दोनों साथ ही रहते हैं। ओ, तुम दोनों साथ में हो? मैं ऐसे मर्दों को अंदर आने नहीं देती, चल भाग। अरे नहीं, ये तुम्हारी मदद ही करेगा। अच्छा लड़का है। आए, मेरी पीठ। अच्छा इसका कच्चा छोड़ के बाकी कपड़े उतार और अंदर लेकर आए इसे, फिर देखती हूँ मैं। अबे कुछ कर। काफी दिलचस्प जगह है ना शाजीवा? अभी मैंने सिर्फ तेल लगाया है, इलाज में पूरी रात जाएगी। सुबह इसे ले जाना। अच्छा बगल वाले कमरे में सो जा, और खाने में चावल और सब्जी रखी हुई है, लेकिन सारी खत्म मत करना, यहाँ एक बच्चा भी रहता है। चुप करेगा तू? कोशिश करना कि मेरा दर्द और ना बढ़े। घबरा मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा एक ही झटके में। तेरी दवाई अभी उबल कर तैयार हो रही है।
ये कौन है, आपका नौकर? नहीं, मेरे दूर के रिश्तेदार का बेटा है। उनके पास पैसे नहीं है इसलिए यहाँ है। एक नंबर का शैतान है, नजर रखनी पड़ती है। क्या बात है, मेरी कमर तो पहले से भी अच्छी हो गई, अब मैं जैसे चाहूं इसे हिला सकता हूं। तुम पुलिस वाले हो ना? तुम्हें कैसे पता चला? मुझे पता चल जाता है। इसे भी एक तरह का करिश्मा ही कहेंगे ना। कोई आदमी क्या करता है, कहाँ पैदा हुआ है और भविष्य क्या है बता सकती हूँ। तुम्हारा बताऊं? अरे नहीं, बता दो, बताने दो ना। अरे शाजीवा, जब मेरी पीठ में मोच आई तब एक बात मेरी समझ में आ गई। हम इस गांव में सब लोगों से मिल चुके हैं, है ना? लेकिन हम जिसे ढूंढ रहे हैं उनमें से कोई भी नहीं, मतलब अभी तक वो हमारे सामने नहीं आया, पर आएगा जरूर। अगर उसे पता चल गया कि हम यहाँ हैं और वो वापस ही नहीं आया तो? अरे नहीं, ऐसा थोड़ी ना होता। वहीं रुको, रुक साले, साले ठरकी दोगले। कल रात तूने उस बच्चे के साथ क्या किया, हां बता, क्या किया तूने उस बच्चे के साथ कल रात? क्या बकवास कर रही है? बिना पैसे दिए हुए चुपचाप निकल रहा था तू, हाँ साले? कुछ नहीं किया, मेरे यकीन मानो, मैं गिरा हुआ आदमी है ये मालूम है? छोटे बच्चे के साथ कोई ऐसा करता है? रुक जाओ, अरे अब ऐसे अनजान बन रहा है जैसे कुछ मालूम ही नहीं है। छोड़ो, रुक जाओ, मैं तुम्हें पैसे देता हूँ, निकल पैसे। कुत्ता साला, 1000 रुपए रख ले, अब चल तू निकल यहाँ से, चल। ए तू भी चल। अच्छा सुनो तो, मणि, 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 अबे मणि, तू तो शादीशुदा है ना, फिर तूने क्यों किया ऐसा? मैं कह चुका हूं ना आपसे, मैंने कुछ भी नहीं किया। अरे जाने दे, चल छोड़, अगर शहर होता ना तो तुझ पर मुकदमा चलता और तू जेल में चक्की पीसता। वो कल रात को आपको सिर्फ मसाज नहीं दे रही थी, है ना? अर्कन,
काफी दिनों बाद वापस आए, कहाँ था इतने दिन, तू दिखाई नहीं। हाँ थकन भाई, मैं बताना भूल गया था, दो मजदूर आए हैं आपकी जमीन पर रबर की खेती के लिए गड्ढा खोद रहे। अभी तो दोनों का खाना पीना और सोना ठेके पर ही हो रहा है, सच कहूँ तो एकदम निकम्मे हैं दोनों। पर मैं रबर की खेती नहीं करता तो मैं गड्ढे क्यों खुदवाऊंगा। आ गया, पहले तो ये बताओ दोनों निकम्मे कौन है। कौन निकम्मे? अरे वो आसपास कहीं जंगल में गए, अभी आते होंगे। अगर कोई ऐरा गहरा मेरा नाम लेगा तो तू उसे रख लेगा हाँ? ये क्या बेतुका सवाल कर रहा है बे? पहली बार थोड़ी ना लोग तेरा नाम लेकर इस गांव में आए हैं, तूने उन्हें गड्ढे खोदने के लिए बुलाया ना। क्या बकवास कर रहा है तू, जानता नहीं मैंने अपनी जमीन बेच दी है। अरे तो मुझे तेवर क्यों दिखा रहा, वो लेके आता उन्हें मेरे पास। अबे साले तू किसी को भी उठाकर यहाँ क्यों ले आता है? अबे थकेले, मेरे मुंह से गालियां सुने बिना तुझे चैन नहीं पड़ता है? कान के नीचे दू क्या? हाथ तो लगा कर दिखा, हाथ तोड़ दूंगा। साले तू क्यों बीच में आ रहा है, हाथ तोड़ दूंगा। छोड़ना यार, क्या बोल रहा था तू? मुझ पर क्यों चिल्ला रहा है? मैं उन्हें थोड़ी लेके आता यहाँ पर, यहाँ इस गांव में उन्हें कोई भी नहीं जानता है। तू ही बता वो कौन है। तू लाया था ना उन लोगों को, कौन है वो लोग, क्या जानता है? साले बता नहीं तो तेरी। सुन, यहाँ हम सब के सब दरिंदे हैं, ज्यादा चालाकी करने की कोशिश मत कर, काट के फेंक दूंगा यहीं पर। तो साले मैं तेरी। क्यों लड़ रहे हो? लड़ते रहते हो उन दो कमीनों की वजह से, मेरे पति को इस बात में मत घसीटो। अभी आवाज क्या है तो कोई देर से काट डालूंगी। आ रहे हैं वो दोनों, जो पूछते हैं पूछ लेना। देखो वो रे, आने दो दोनों को। तुम सब चुप रहना, मैं बात करूंगा। हाँ ठीक है, सब चुप रहना रे। हाँ समझ गया, लगता है मामला कुछ गड़बड़ है, तू फालतू बकवास मत करना। आजा, जो बताया था याद है ना? हाँ हाँ, तैयार हो जा, देखते हैं क्या होता है। ए तुम दोनों कौन हो बे? अब थकन जी की जमीन पर। थकन की माँ की आंख, तुम दोनों कौन हो बे? हमें गड्ढे खोदने के लिए बुलाया था। किसने बुलाया तुम्हें? वो गड्ढे। अबे मैं पूछ रहा हूँ किसने बुलाया, थकन को जानते हो या नहीं? हाँ कभी देखा है तूने उसे? फोन आया था गड्ढे खोदने के लिए बुलाया था। बेटा मुझे एक बात बताओ, थकन को जानते हो? हाँ हाँ उन्हीं का तो। अबे साले थकन मैं ही हूँ, तब से बकवास कर रहा है, झूठ पे झूठ बोले जा रहा है तब से। पहले कभी मिला है मुझसे? हम तो गांव में थे। अबे वो सब छोड़, तू कभी मिला मुझसे? हाँ कभी देखा है मुझे? नहीं देखा तो नहीं। फिर तो अपना मुंह उठा के यहाँ क्यों चला है बे? किसने भेजा तुम्हें, नाम बता। नहीं वो नाम बता नहीं पता, लेकिन किसने भेजा तुझे, नाम बता। सच कह रहे हैं, हमारे यकीन कीजिए। तेरी तो मैं साले, और कौन कौन मिला है तुम्हारे साथ? यकीन मानिए हम झूठ नहीं बोल रहे। नाम बताओ उसका। मनी भाई बताइए ना, तुम दोनों को जानता ही नहीं तो मुझे बीच में क्यों घसीट रहा है तू? अरे इसके तुम चाहिए राइस से पूछना। तुम लोग साले हो कौन, जिसे नाम बता। जरूर कहीं से भाग बोल बोल बता, किससे भेजा बोल बता। तू यहां क्यों आया था, कौन कौन मिला तुम लोगों के साथ? सच बता वरना काट डालूंगा। सच बोल, मुझे जवाब चाहिए इसी बात। बोलता क्यों नहीं? टेंशन मत ले, बात करके कोई फायदा नहीं। मेरी बात सुन, एक काम करते हैं, इनको काट के कहीं फेंक देते हैं। हां लेकिन लाश का क्या करेंगे? जमीन में गाड़ नहीं सकते हैं। कुत्ते सूंघकर खोद सकते हैं। इन्हें चीनी के साथ जला दे क्या? अबे यार राशन की दुकान है नहीं, इतनी चीनी कहां से लेके आएगा तू? इन्हें कुत्ते की तरह मार के नदी में फेंक देंगे तो? वक्त बर्बाद करके कोई फायदा नहीं, इनके छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं। अच्छा, अब क्या दिन भर ऐसे ही बातें करते रहोगे? इन्हें कंपोस्ट पिट में डालकर वहाँ गहराई में दफना देते हैं। कम से कम खाल के तो काम आएंगे। चलो जल्दी काम खत्म करके अंदर आओ, रात के लिए मछली पकानी है। अरे भागता कहाँ है? अबे भाई तू क्या कर रहा है? इधर खड़ा रह यहाँ, बता तेरा असली नाम क्या है? थकन। अबे साले तेरे बगीचे में गड्ढा खोदने नहीं आया, मैं पुलिस वाला हूँ। चल बता तेरा असली नाम क्या है? थकन सही बोल रहा हूँ। तो साले ये जॉय कौन है? मैं तो उसे जानता भी नहीं हूँ, मेरा उसे कोई संबंध नहीं है। ये देखो। हाँ ये। और क्या रे, हमारे छोटे छोटे टुकड़े करके हमें चीनी के साथ जलाने वाला था? बोल साले। हम तो बेचारे गांव वाले हैं साहब,
हमें लगा कि आप दोनों चोर हैं। असल में हम आपको डरा धमका कर आपसे सच उगलवाना चाहते थे, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। चल निकल। तो बताइए जॉय कहाँ रहता है, कहाँ छुपा बैठा है? जॉय तो घर पर है। तो हमें उसके घर लेकर चल, चल जल्दी। अरे मनी सुन, अगर पीछे आ रहे तो पिछवाड़े में ही डालूंगा। चले चले, अगर आसपास दिखाई दे रहे तो गोली मार दूंगा, समझे कि नहीं? सोचना भी मत। अच्छा अच्छा, हमसे भागने की सोचना भी मत, ये गोली तुझसे ज्यादा तेज है। कहां गया साला? कहीं दिखाई नहीं दे रहा, उसे जंगल अच्छी तरह पता है। देख वहां बैठा। हाँ। भागने की सोच रहा था। क्या साहब, मैं आपको चकमा देके क्यों भागूंगा? वैसे भी आपको मेरी तलाश थोड़ी है। जल्दी चल, आप मेरे साथ रहिएगा वरना जंगल में कहीं खो जाएंगे। आइए। तेरे पास खुद की गाड़ी नहीं है क्या? मेरे पास उतने पैसे नहीं है साहब। माँ बाप के मरने के बाद हम लोग यहाँ पर आ गए, खेती करने की कोशिश की, जमीन खरीदी। हे हे, हाँ? गाड़ी के बारे में पूछा था, बस उसी का जवाब दे। अपने हाँ? परिवार की बकवास मत सुना। अरे और कितना दूर है, कितना वक्त लगेगा? साहब थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे, थक तो नहीं गए? चुपचाप चलता रहे। पास में ही है साहब। हाँ चल चल आगे बढ़। हाँ चल चल, चुपचाप चल। रुक, दो लोग उस तरफ से जा रहे हैं, हम लोग यहाँ से चलते हैं, जल्दी पहुंचेंगे। आजा साले पीछा क्यों कर रहे हैं?
वो देखो वहां पे, चल आजा आराम से, आराम से। आवाज नहीं चाहिए, चुपचाप चुपचाप। जब मैंने पलट कर उस आवाज को सुना जो मुझसे बात कर रही थी, मुझे उसके हाथ में 7 सुनहरे दिए दिखाई दिए और उन 7 दियों में से एक मनुष्य के आकार का था। उसने सर से पैर तक कपड़े पहने। अब ये लोग कौन है? ये लोग जॉय से मिलने के लिए आए। चुप, आवाज नहीं। ए, इसका नाम क्या है? ठक्कन। तो फिर जॉय कौन है? वो मेरा भाई है सर। कहाँ है वो? बीमार क्या? है अंदर है पर बीमार है। ये चल फिर नहीं सकता। जॉय, तुम जानते हो ना हम क्यों आए? अब तुम कानून से बच नहीं सकते, समझ लो, नाटक बंद। सर, मैं 1 साल से बेड पर ही हूँ, बिना इलाज के जिंदा नहीं रह सकता। सर, इसे किस लिए गिरफ्तार करने आए हैं और ऐसी जिंदा लाश को ले जाकर आप करेंगे भी क्या? इसने जो किया उसके लिए इसे सजा मिलेगी, वो भी कम से कम 10 साल की, समझी? दुर्लभ प्रजाति का शिकार और नाबालिग के साथ अश्लील हरकतें। हाँ सर, ये सच है कि मुझ पर कुछ इल्जाम लगे हैं, पर बाकी चीजों में पुलिस और फॉरेस्ट ऑफिसर ने फंसाया है। मुझ पर दया कीजिए, इस हालत में अगर वहाँ गया तो मर जाऊंगा। ये कुछ नहीं कर सकता है साहब, अगर आप मदद कर सकते हैं तो कर दीजिए। आप थोड़ी तो दया दिखाइए ना। तू चाहे जिंदा लाश हो या तू मर जाए, लेकिन तुझे कल मैं कोर्ट में पेश करके ही दम लूंगा। डॉक्टर और नर्सेज हमारे जेल में भी अच्छे हैं, समझ गया तू? इसे अपने साथ ले जाओगे गधो? यही समझाया मैंने, कोशिश कर लो। फिलिप भैया, इन्हें लगता है ये जॉय को यहाँ से ले जा सकते हैं। हम भी तो वही सोच रहे थे, वो इसे लेके कैसे जाएंगे? अगर हमें रोक रहा तो भिजा खोल दूंगा। इसने मुझ पर गोली चला दी। इधर आ। हाँ? इधर आ। क्या हुआ? जल्दी आ। ये बंदूक से खेल रहा था और देख, इसने गोली चला दी। बेचारे इतनी दूर से आए हैं, मुझे जाने दो ना उनके साथ। Ha 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 ha
अरे पागल हो गया क्या, इतनी हंसी क्यों आ रही है? कुछ नहीं सर, बस एक पुरानी कहानी याद आ गई। कहानी सुनाऊं आपको, एक साधु और एक शैतान की है। देखना कहीं नींद ना आ जाए। चुप साले, गोली मार दूंगा। ठीक है, मैं कोई और कहानी सुनाता हूँ। एक पुलिस वाले की जो मुझे पकड़ने आया था, उससे पहले भी एक पुलिस वाला आया था और उससे पहले भी एक आया था। ये कभी ना खत्म होने वाली कहानी है क्या? पहले कोई आया था, उसके पहले कोई आया था, डायरेक्ट कहानी पे आना। पुलिस वाला किसी को उठाकर अपने साथ ले आया ताकि वो अकेला ना रहे। फिर वो साधु। कौन साधु? मतलब पुलिस वाला यहाँ पहुँच गया, उसे लगा था कि भेष बदल कर वो सबको चकमा दे देगा। हम ऐसा जताते थे कि हमें कुछ भी नहीं पता और एक दूसरे को आँख मारते थे। हम देखना चाहते थे कि वो लोग कितनी दूर तक पहुँच सकते हैं। एक ही कहानी को बार बार अलग अलग किरदारों के साथ देखने में मजा आता है। सजीवा, लगता है हम रास्ता भटक गए, वो ब्रिज तो अभी तक आया ही नहीं। हाँ, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। सर, हम इस तरफ से जा सकते हैं, लेकिन रास्ता लंबा है। अबे साले, रास्ता पता था तो पहले क्यों नहीं बताया बे? फिर क्या हुआ? दोनों गांव में बस गए, मजे से खाते पीते थे, मोटे होने लगे, रोज जंगली सुअर खाते थे और देसी थर्रा पीते थे। यहाँ किस बात की कमी है, यहाँ तो लड़कियां भी मिल जाती हैं, और क्या चाहिए? हाँ, हम अपनी मर्जी के मालिक हैं, है ना? किसी का खून करना है तो वो भी कर सकते हैं, कोई सवाल नहीं पूछता। सर, आप इसे जन्नत नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? ये जंगल, ये कोहरा, ये ठंड उसे अच्छी लगने लगी। ये भी भूल गया कि वो पुलिस वाला था, वो अपने मकसद से भटक गया। फिर एक दिन मैंने उससे पूछा, तुम कौन हो? वो याद करने लगा। फिर उस साधु ने, मेरा मतलब पुलिस वाले ने, मुझे पकड़ने का फैसला किया, मुझे पकड़ने का। फिर क्या हुआ? उसके पास एक खिलौने वाली बंदूक भी थी। हम सबको बहुत हंसी आई। अरे जॉय, हम जानते हैं तू कितना शातिर है, इसीलिए तेरी जिंदा लाश जैसे शरीर के भी हाथ हमने बांध के रखे हैं। सर, अगर ये बात है तो सोचिए, अगर मैं किसी चमत्कार से अचानक ठीक हो गया। अच्छा, और क्या? और मैंने रस्सी खोल दी और फिर उसके बाद मैं अचानक से बैठ गया तो? हाँ, तो क्या होगा?